बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के खिलाफ अवैध शिकार करने के दो मामलों में यहां की एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को दो याचिकाओं पर सुनवाई समय अभाव की वजह से 18 दिसंबर तक टाल दी है। सलमान के वकील महेश बोरा ने कहा, अदालत में दो मामले लंबित हैं। पहला हथियार विधेयक मामले में दबंग खान की रिहाई के विरुद्ध सरकार की याचिका, दूसरा दबंग खान ने शिकार मामले में दोषी ठहराए जाने के विरुद्ध याचिका दाखिल की है। दोनों मामलों को अदालत ने समय अभाव की वजह से टाल दिया। इससे पहले सलमान के विरुद्ध अभियोजन पक्ष की दो याचिकाओं की सुनवाई को भी 29 नवंबर तक टाल दिया गया। इनमें से एक याचिका अभियोजन पक्ष ने दाखिल की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि खान ने एक शारीरिक समस्या के आधार पर अदालत में पेश नहीं होने के लिए अदालत को गुमराह किया, जबकि दूसरी याचिका में आरोप लगाया गया है कि खान ने एक शपथ पत्र के जरिए हथियार के बारे में फर्जी जानकारी दी। खान को एक निचली अदालत ने वन्य जीव संरक्षण कानून के अंतर्गत 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। सलमान ने जोधपुर के कनकनी में काले हिरण का शिकार किया था। Honest Vote.